आपके साथ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान कहा है। उन्होंने PM मोदी से अपील की है कि वे गाजा के लोगों का साथ दें। ये बात उन्होंने शनिवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही। ओवैसी ने कहा कि मैं PM से अपील करना चाहूँगा कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसे रोकें। फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि ये मानवता का मुद्दा है। नेतन्याहू शैतान है, क्रूर शासक है और युद्ध के अपराधी हैं। ओवैसी ने कहा गाजा के 10 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है। पूरी दुनिया देखकर भी खामोश है। जिन्होंने इन्हें मारा उन्हें देखिए, लेकिन गाजा के इन बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है। मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है। पिछले 70 साल से इसराइल ने गाजा पर कब्जा कर रखा है। आपको ये कब्जा दिखाई नहीं देता, आपको ये जुल्म दिखाई नहीं देता। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश में एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, मैंने गर्व से फिलिस्तीन और भारत का झंडा पहना है, मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।